नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं लाया हूँ थोड़ा डिफरेंट टाइप का ब्लॉग, जिसके अंदर मैं पबजी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं कई बार जब पबजी खेलता हूँ अननोन पर्सन के साथ, और जब मैं अपनी वॉइस चैट ऑन करता हूँ तो लोग काफ़ी हंसी आती है, इस वजह से पूछते हैं कि यार ये कैसे चेंज हुआ। तो मैं उनको गेम के अंदर नहीं बता सकता है किस तरीके से होता है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाया है। आई होप आपको पसंद आएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलो चलते हैं, देखते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैं अपने यहाँ पर ट्रेनिंग जो जोन होता है यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा किस तरह की आवाज़ें आती है इसमें। तो कुछ वॉइसेस हैं इस तरह की, दो तीन और मैं आपको बताता हूँ। इसमें काफ़ी सारी ऐसी कुछ फाइल्स हैं जिसमें मैं काफ़ी फनी फनी है, काफ़ी फनी वॉइसेस है, काफ़ी फनी वॉइसेस है। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, इसके अंदर आपके पास दो चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, जो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट आपको एक मैं लिंक दे दूंगा, ये जो मैं लिंक डाल रहा हूँ यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में, आपको ये लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे 3.85 KB की एक फाइल आएगी, उसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मेरे पास नीचे मैसेज आया आपके पास नहीं आएगा अगर आपने नहीं की हुई। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको प्ले स्टोर में जाकर के आपको यहाँ पे लिखना होगा ZAchiever और इसे डाउनलोड करना होगा। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटी सी MB की फाइल है, 3.24 MB की। और इसको डाउनलोड करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे। इसको हम ओके कर देंगे, इस मैसेज को इसको भी हम ओपन कर देंगे, सॉरी ओके कर देंगे, इसको भी हम ओके कर देंगे। इसके बाद हमें अपने डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद हमें एक फाइल है f2.sav, इसके ऊपर हमें लॉन्ग प्रेस करना है और कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो डाउनलोड्स, वहाँ पे जाकर के डिवाइस मेमोरी पे जाना है। डिवाइस मेमोरी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के अंदर डेटा के अंदर आपको एक फाइल ढूंढनी होगी। उस फाइल का नाम टेंसेंट नाम से वो फाइल आपको मिलेगी। थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा इसके लिए हमें, com.tencent.ig। इसके बाद हम इस पर फाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, देन UE4 के ऊपर वापस से शेडो ट्रैक, देन सेव, और फिर उसके बाद हमें सेव गेम के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आपको जो आइकन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम अप्लाई टू ऑल करके रिप्लेस कर देंगे। मैंने ये पहले से किया हुआ है तो मैं इसको नहीं करूँगा। और इसके बाद आप अपना गेम स्टार्ट करके देख सकते हो। तो आपके सामने पूरी जो फनी लैंग्वेजेस है या फनी चैट्स, वो सारी ओपन हो जाएगी। और आपको अगर ये वीडियो थोड़ा फास्ट लगा हो तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो पहले जाकर के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि मैं इससे रिगार्डिंग और भी वीडियोज़ डालता रहूँगा।